कंगना ने सब कुछ अपने बलबूते पर पाया है और क्या इंडस्ट्री इस बात से जलती है? क्यों कंगना के खिलाफ जो है हर कोई तैयार हो जाता है बोलने के लिए? क्यों ऐसा कंगना के साथ व्यवहार होता है? इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। कौन है ये? मैं हीना कुमावत आपको फिल्म इंडो पर बताऊंगी। कंगना ने अभी बेबाकी से बयान रखे, उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने अपना भी पक्ष रखा, कंगना ने भी अपना पक्ष रखा। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको कि हम बिहारी बाबू के नाम से भी जानते हैं, वो अभिनेता भी हैं पॉलिटिशियन भी, उन्होंने ये कहा है कि कंगना अपने आप सारी मुश्किलों को झेलते हुए आगे निकली है और इस बात से हर कोई जलता है। वो कहते हैं कि कंगना ने इन पंक्तियों को चरित्रार्थ किया है, वेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, यानी कि कंगना ने मुश्किलों को झेलते हुए और खेलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया है, ये बड़ी बात है। वो आगे कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कंगना से के खिलाफ जो है इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उससे जलते हैं। वो अंदर ही अंदर उन्हें कंगना से बहुत जलन होती है कि वो हमारे रहमो करम के बगैर, हमारी मर्जी के बगैर, हमारे ग्रुप में शामिल हुए बगैर, हमारे आशीर्वाद के बगैर, हमारे पुश के बगैर ये लड़की इतना आगे कैसे निकल गई। इस बात को से जो है वो चिढ़ते हैं और जलते हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में, मतलब जो सुशांत की बात मैं कर रही हूँ, कि सुशांत के साथ सारी चीज़ें जो हुई आपने सोशल मीडिया पर पढ़ी होगी, तो कहते हैं कि हमारे ज़माने में कॉफ़ी विद अर्जुन अर्जुन नहीं था, इस तरह के प्लान इवेंट नहीं होते थे और यहीं से बहुत सारी बातें निकलती हैं और खड़ी होती हैं, मतलब कॉफ़ी विद करण जैसे शो से। जिनका भी जिक्र हो रहा है सब तो है अपने ही परिवार के, लेकिन किसी की जागीर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री, किसी के पिता की जागीर नहीं है कि आप कह देंगे किसको नहीं रखना। आप है कौन? आपने खुद क्या किया है जीवन में? आप खुद कैसे आए हैं? उन्होंने करण जौहर से ये बड़ा सवाल पूछा है। तो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा गुस्से में हैं, आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि कंगना ने आज जो भी मुकाम हासिल किया है अपने बलबूते पर किया है, किसी की चापलूसी नहीं की और इसी बात से हर कोई जलता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग कहते हैं उसको कि इंडस्ट्री से निकल जाओ, वो होते कौन है? उनको कहाँ से ये सब मिला है? वो लोग खुद कहाँ से आए हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पूरे मुद्दे पर कंगना का पक्ष रखा है, कंगना का साथ दिया है और बहुत बड़ी बात है जब खुद उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा, उनको इतना ट्रोल किया जाता है, इतना उनको स्टार किड के बारे में बोला जाता है और ऐसे में उनके पिता का आगे आकर कंगना को सपोर्ट करना और इस बात को मानना कि सब उनसे इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बलबूते पर सब हासिल किया है, वाकई में ये एक बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँगी कि अपने आप में उनका स्टैंड है। और कंगना ने भी उनकी इस बात को रिट्वीट किया है। मुझे लगता है कि कंगना को भी लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जो आगे आकर उनका स्टैंड लिया है, उनके साथ जो है आके खड़े रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो उन्होंने बात कही है कि हमारे समय में इस तरह के कोई शो नहीं होते थे और आप कौन होते हैं कि बोलने वाले की इंडस्ट्री में से चले जाइए, या आपके पिता की जागीर नहीं है और आप कह देंगे इसको नहीं रहना है, आप हैं कौन? आपने खुद क्या किया है जीवन में? आप खुद यहाँ कैसे आए हैं? तो बहुत बड़ा जो है उन्होंने सवाल करण पर भी उठाया है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।